भारतीयों ने समझा है। तो मैं जो लिस्ट देख रहा था, बीजेपी ने जहां 43 नए चेहरों को मौका दिया है इस बार, तो कांग्रेस ने 36 नए चेहरों को लगभग मौका यहां पर दिया है। तो ये एक समीकरण बना यहां पर है कि किस तरीके से नए चेहरों बनाम नए चेहरे होंगे। दिग्गजों को भी दिया गया है और दिग्गजों के साथ साथ बैलेंस करते हुए ये भी कहा गया कि नए चेहरों को भी मैदान में उतारा जाए। जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखा गया, महिला वोटर्स को ध्यान में रखते हुए महिला कैंडिडेट को भी ध्यान में रखा गया। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क आ जाएगा ऐसे, और कांग्रेस ने यही दांव यहां पर खेला है। शुरुआत बीजेपी ने जरूर की थी पहली लिस्ट जारी करके 21 लोगों की, लेकिन खत्म कांग्रेस ने किया है। आज कांग्रेस के सभी 90 उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। बीजेपी के 4 उम्मीदवार अभी भी बाकी हैं, 4 सीटों पर बीजेपी ने अभी भी उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। और उम्मीद की जा रही है कि अब कांग्रेस की लिस्ट आई है तो हो सकता है देर रात तक या कल बीजेपी की भी ये रुकी हुई लिस्ट आ जाए। ठीक, लौटेंगे आपके पास। अशरफ भी लगातार जुड़े हुए हैं। अशरफ, चूंकि छत्तीसगढ़ की जीत का दरवाजा बस्तर से खुलता है, 20 सीटों पर सबसे पहले चुनाव होने हैं, आखिर उन 20 सीटों पर आप कैसी लड़ाई देखते हैं? रितु, देखिए 20 सीटों पर जो है ये बहुत महीन लड़ाई है, बहुत गंभीर लड़ाई है यहाँ पर, क्योंकि लगातार सरकार कह रही है कि हम बस्तर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां हमने नक्सलियों को पीछे खदेड़ा है, उनका जो एरिया का प्रभाव वाला क्षेत्र था उसे हमने लगातार हम करने कम करने में कामयाब रहे हैं, आम लोगों को विकास के साथ जोड़ा है, उनको विकास पहुंचाया। छत्तीसगढ़ में जो हाट बाजार लगते हैं वहीं पर डॉक्टर्स को भी उपलब्ध कराया गया है कि वहां पर मेडिकल वैंस रहे, तो विकास का जो काम है, सड़कों का जाल बनाया है, तो छत्तीसगढ़ में ये एक बहुत महत्वपूर्ण। और जबकि बीजेपी ये दावा करती है कि जो विकास कार्य हमने किए थे वो वहीं तक सीमित रहे, कांग्रेस की सरकार आई ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो यहां पर लड़ाई जो होगी बस्तर में वो दोनों दावे ये करेंगे कि कांग्रेस की सरकार में हमने विकास कराया, आम ज्यादा विकास किया, आम लोग ज्यादा खुल के बात कर रहे हैं, नक्सलियों को हमने लगाम लगी है, जबकि बीजेपी इस बात को जनता के बीच में ले जाके रखेगी कि नक्सलियों का जो प्रभाव है वो ज्यादा बड़ा है, विकास के जो उनके कार्यकाल में होता था वो अपना कांग्रेस सरकार में ठप हो गया। तो यहां पर जो दावे और तर्क होंगे और वितर्क होंगे, दोनों पार्टियों के दावे विकास को लेके होंगे, लेकिन अब जो जीतेगा वो जनता उस पर मोहर लगाती है, तो यानी उसके दावे साबित करती है। जिसकी भी जीत होगी, जो भी पार्टी या दल यहां से बस्तर से जीतता है, उसका जाहिर सी बात है कहा यही जाता है कि बस्तर से रास्ता रायपुर तक पहुंचता है, रायपुर से यानी सत्ता तक पहुंचता है, तो जिसको ज्यादा वोट मिलेगी, जिसको ज्यादा सीट मिलेगी उसके दावे सच है, जनता उनके साथ खड़ी है। लेकिन लड़ाई जो होगी बहुत दिलचस्प रहेगी, क्योंकि यहां पर बीजेपी ने अपने कांग्रेस ने अपने जो प्रदेश अध्यक्ष और सांसद है उन तक को चुनाव मैदान में उतार रखा है, और बड़े जो मंत्री हैं उनके बस्तर से दो दो मंत्री हैं, मोहन मरकाम हो या कवासी लखमा हो, तो यहां पर बस्तर में बड़ी जो नेता है, बस्तर के बड़े कांग्रेस के राज्य के नेता हैं, वो खुद चुनाव मैदान में है, तो जाहिर सी बात है आप समझ सकती हैं कि ये बस्तर की लड़ाई जो 7 नवंबर को बंद हो जाएगी, जिसमें मतदान किया जाएगा, जनता अपना फैसला मतपेटियों में यानी ईवीएम में बंद कर देगी, वो पता चलेगा कि वो किसके हक में रहा, लेकिन लड़ाई जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और विकास के नाम पर ही यहां पर लड़ाई होगी। रितु, ठीक अशरफ, लौटेंगे आपके पास। अभिषेक, अब हम विस्तार से अगर चर्चा करें सीटों पर यहां पर, और बात महिलाओं की भी करें, महिलाओं को जगह इस तीसरे लिस्ट में दी गई है, साथ ही साथ महिला का टिकट भी काटा गया है, क्या माने इसके पीछे वजह? देखिए, कसडोल की अगर हम बात करें, शकुंतला साहू का टिकट काटकर संदीप साहू को दे दिया गया, आखिर क्या वजह माने? क्या उनका दुर्व्यवहार माने, जो लंबे वक्त से वो दुर्व्यवहार करती हुई आई, हालांकि सीएम की ये करीबी भी मानी जाती है। रखा गया, बहुत से बड़े नेताओं के करीबियों की टिकट काटी गई है और वो अपने करीबियों की टिकट नहीं बचा पाए, ये भी इस लिस्ट में पहले भी देखा गया है कि उनके नाम काट दिए गए और लग रहा था कि ये किसी बड़े नेता के करीबी हैं, उनको टिकट मिलना तय है, उसके बावजूद भी वो टिकट उनका नहीं बचा। अभिषेक, कॉन्फिडेंट थे दावेदार जो थे ना, वही मैंने जिक्र किया, जो दावेदार थे वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम करीबी हैं बड़े नेताओं के, मंत्रियों के या मुख्यमंत्री के, पर ऐसा यहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिला।
जिसका दुर्व्यवहार देखा गया, काम देखा गया, उसी के आधार पर टिकट यहां पर वितरित किए गए। बिल्कुल वही मैं बता रहा हूं रितु आपको कि जो ये सोच रहे थे कि वो बड़े करीबी हैं किसी नेता के, हालांकि संकेत देखिए उनको पहले भी मिल गए थे, क्योंकि अगर आप किसी एक बड़े नेता के करीबी हैं तो स्वाभाविक रूप से राजनीति है, सियासत है, आप दूसरे के विरोधी हो जाते हैं या दूसरे के गुड बुक में शामिल नहीं होते, आपके बहुत सारे दूसरे भी विरोधी खड़े हो जाते हैं। और यही इस बार हुआ भी कि अगर किसी का टिकट कटा है तो ये भी एक बड़ी वजह कई जगहों पर देखने को मिली। अगर 90 की लिस्ट में हम बात करें तो अगर आप किसी बड़े नेता के करीबी हैं तो दूसरा जो खेमा होता है या दूसरे कुछ बड़े नेता होते हैं या दूसरे लोग होते हैं वो नाराज होने लगते हैं और नाराजगी कई बार भारी पड़ती है और आपका वो बड़ा नेता वो सीट बचा नहीं पाता, आपकी टिकट बचा नहीं पाता, क्योंकि जब ये कमेटी बैठती है तय होती है तमाम चीजें तो किसी एक के हाथ में सारी चीजें होती नहीं है। मिल बैठ कर एक दूसरे के साथ तर्क वितर्क करके बातें करके सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ये तय किया जाता है और जब वहां पर टेबल में ये सर्वे रिपोर्ट आती है उसके विरोध में तर्क मिलते हैं तो फिर उसकी टिकट बचना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ है शकुंतला साहू के साथ भी। शकुंतला साहू शायद नए जो 38 विधायक थे कांग्रेस के उनमें ऐसी विधायक थी जो सबसे ज्यादा विवादों में रही हो, चाहे उनके अपने बर्थडे में नोटशीट उन्होंने चलवा दिया था या मंच पर अपनी मर्यादाओं को लांग देने जैसी बात आई थी, चर्चा काफी हुई थी यहां पर और एक यही एक वजह मानी भी जा रही थी, विवादों में रही शकुंतला साहू, ये एक बड़ी वजह रही जिसको पार्टी ने ध्यान में रखा और उनकी टिकट को काट दिया। सरायपाली तक और दूसरी सीटों की हम बात कर रहे हैं, महिला को महिला विधायक की अगर हम बात करें सरायपाली में भी टिकट चेंज कर दिया गया। अभिषेक यहां पर ये चर्चा में थे कि वाकई कमजोर प्रत्याशी साबित हो सकते हैं, पिछली बार हालांकि इनको मैदान में उतारा गया पर टिकट अब कट गया, अब इनकी जगह चतुरी नंद को उम्मीदवार बनाया गया है, क्या माने वजह यहां पर, आखिर नंदलाल कहां पर कमजोर साबित हो रहे थे? देखिए सरायपाली की हम अगर बात करें तो दिक्कत ये आ रही थी कि जो पार्टी का सर्वे पार्टी की जो सर्वे रिपोर्ट थी उसमें ये दिक्कतें आई थी और ये सर्वे रिपोर्ट के साथ साथ मुख्यमंत्री जब भेंट मुलाकात में निकले थे, भेंट मुलाकात के दौरान भी बहुत सी बातें सामने आई थी, बहुत से फीडबैक उस समय भी नोट किए जा रहे थे, लगभग पिछले साल मई में अप्रैल मई में मुख्यमंत्री ये भेंट मुलाकात उन्होंने शुरू की थी और तब से हर विधानसभा जा रहे थे, रात को रुक भी रहे थे, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात होती थी, संगठन के लोगों से भी मुलाकात होती थी, ये फीडबैक उस समय भी लिए गए थे और उस फीडबैक को जब फॉलो किया गया उस फीडबैक को फॉलो करने के साथ साथ नेगेटिविटी बढ़ती चली गई, बातें बढ़ती चली गई और यही एक वजह रही कि आखिर तक जाकर उनको जिताऊ उम्मीदवार नहीं माना गया और पार्टी ने टिकट वहां पर बदल दिया। महासमुद की बात अगर अभिषेक यहां पर महासमुद की बात करें, यहां पर डिटेलिंग की हम बात करें तो यहां पर सेवालाल चंद्राकर का टिकट काटा गया है, रश्मि को जगह दी गई है। देखो एक भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है, मुझे याद है वहां पर ही जो है विरोध के स्वर हम देखें या आम जनता का आक्रोश देखें तो आक्रोशित आम जनता वहां से ही नजर आती हुई नजर आ रही थी, वहीं से उग्र होती हुई नजर आ रही थी और तभी से लग रहा था कि यहां पर इनका टिकट कट सकता है। महासमुंद देखिए ऐसी जगह है जहां पर जो एक बॉर्डर इलाका भी है छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा और कई बॉर्डर एमपी का बॉर्डर है वो यहां पर लगता है, तो ये बहुत सेंसिटिव इलाका है। और इसके अलावा जहां तक बात है विनोद सेवनलाल चंद्राकर की टिकट कटना, तो इसका सिलसिला जैसे मैं बता रहा था भेंट मुलाकात से ही शुरुआत हो गई थी, उसकी सर्वे रिपोर्ट भी उनके खिलाफ जा रही थी, पॉजिटिव पार्टी को यहां पर कुछ भी नहीं लगा और पार्टी को अगर वहां पर दूसरा बेहतर उम्मीदवार सर्वे रिपोर्ट में मिल रहा था, एक्टिव था, महिला थी, तो ये पार्टी को ज्यादा यहां पर मुफीद लगा कि इनकी टिकट काट कर एक महिला को टिकट दे दिया जाए। महिला होने का अलग अपना फायदा वहां पर मिलता है क्योंकि महिला वोटरों की भी संख्या ज्यादा है, एक्टिव भी रश्मि चंद्राकर वहां पर बताई जा रही है, तो ये कई सारी चीजें जो पार्टी देखती है, चेहरे वहां पर बदलते हैं, तो ये फायदा यहां पर जरूर पार्टी को मिलता है और पार्टी ने इस नफे नुकसान को बेहतर तरीके से समझा है। ये जो टिकट काटी गई या चेहरे बदले गए ये रातों रात नहीं बदले गए, इसका सिलसिला लगभग साल भर पहले से शुरू हो गया था, नेगेटिविटी इन विधायकों को लेकर पहले से मिलने लगी थी, पार्टी ने पहले से अपने अलग अलग स्तर पर ये काम करना शुरू कर दिया था, कई बार तो कार्यकर्ता होते थे, कार्यकर्ता भी पहुंच जाते थे अपने आला नेताओं के पास और शिकायत किया करते थे, उसके बाद मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात में जा रहे थे,
तो वो जहां भी जाते थे आम लोगों से मिलने के साथ साथ एक रात को संगठन के बड़े लोगों के साथ समाज के विभिन्न वर्गों के साथ बैठ के क्या करते थे, वहां से भी फीडबैक लिया जाता था। तो ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था। अभिषेक, कहीं पर आम जन का आक्रोश देखने को मिला तो कहीं पर हम देखते हैं कि अंतरकला भी देखने को मिली। अगर हम यहाँ पर सिहावा की बात करें, लक्ष्मी ध्रुव की बात करें, तो इनके खिलाफ लंबे वक्त से जो है कार्यकर्ता लामबंद थे, इनका विरोध कर रहे थे, और इस बार फाइनली जाकर के पार्टी को फैसला लेना पड़ा और इनका टिकट काटना पड़ा। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं वाला फैक्टर बहुत अहम है, क्योंकि जो पार्टी ने इन बातों को भी देखा कि कार्यकर्ताओं को जो सहज उपलब्ध नहीं है, ऐसे विधायकों को यहां पर टिकट ना दिया जाए। क्योंकि 2018 में देखिए बीजेपी की अगर हार हुई थी, इतनी बड़ी हार, तो उसके पीछे कार्यकर्ता एक बहुत अहम मायने थे, बहुत अहम वजह थे। कार्यकर्ताओं ने अपने बड़े नेताओं से नाराज होकर काम नहीं किया था, वो घर बैठ गए थे और पार्टी को हार मिली थी। तो पार्टी ने इस बात को समझा है, कार्यकर्ताओं के फीडबैक को भी कई जगहों पर तवज्जो दी गई और माना कि अगर कार्यकर्ता नाराज है, कार्यकर्ता जो शिकायतें कर रहे हैं, कार्यकर्ता तक उस विधायक की पहुंच नहीं है, वो सहज उपलब्ध नहीं है, तो ये उसके खिलाफ बड़ी नेगेटिव चीज जाती है। और आम लोगों के साथ जो सर्वे था वो तो साथ में था ही, तो ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर होता है कि पार्टी को कोई बड़ा या कड़ा फैसला लेने में आसानी होती है। तो पार्टी नहीं चाह रही थी कि जो 2018 में बीजेपी के साथ हुआ था, कार्यकर्ताओं की नाराजगी की वजह से हार झेलनी पड़ी थी, ऐसे ही कुछ उसके साथ भी यहाँ पर हो, इसलिए कार्यकर्ताओं को भी जो टिकट देने में उनकी बातों को भी खासा ध्यान यहाँ पर रखा गया है, जहाँ पर पार्टी को जरूरी लगा कि हाँ यहाँ पर ये कार्यकर्ताओं की शिकायत सही है और उनको इस जगह, उनकी बातों को जगह यहाँ पर देनी चाहिए। सर्वे रिपोर्ट भी कुछ उसी हिसाब से अगर मैच कर रही है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए टिकट काटा गया। कुछ यही हालात आप यहाँ महासमुंद में भी देख सकती हैं। ठीक, लौटूंगी। अशरफ लगातार जुड़े हुए हैं। अशरफ, यहाँ पे मैं ये भी समझना चाहूंगी, आप किस नजरिए से इस लिस्ट को देख रहे हैं? पूरी अगर 90 सीटों की हम बात करें, यहाँ पर जनता के आक्रोश की वजह से भी टिकट कटे गए हैं और अंतरकला कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की वो भी यहाँ पर हावी रही, किस तरह से देखते हैं आप? ऋतु, बिल्कुल देखिए, जैसा अभी अभिषेक बता रहे थे आपको कि जो टिकट काटे गए हैं उसके पीछे संगठन है। आप जो विधायक हैं वो संगठन के लोगों से कट गए, विधायक हैं वो जनता से कट गए, क्योंकि जनता जो है वो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, संगठन के लोग हैं, उनसे के पास जाते हैं। जो संगठन के लोग हैं वो आम लोगों की, जनता की समस्याएं लेके विधायक के पास जाते हैं, और विधायक इन दोनों से कट गए। तो ऐसे विधायकों को मौका नहीं दिया गया, और ये जो 22 विधायक हैं जिनके टिकट कटे हैं, वो यही वजह है, क्योंकि इनको लेकर जनता में बहुत नाराजगी थी कि ये विधायक हमारी बात नहीं सुनते, संगठन के लोगों के इसकी आवाज नहीं सुनते, उनसे नहीं मुलाकात करते। इनका सिर्फ ये मानना था कि हम विधायक हैं, हम सीधे मुख्यमंत्री से या मंत्री से बात कर लेते हैं, बात हो जाती है। तो ये गलतफहमी को इन को आज मुख्यमंत्री ने या ये कहा जाए कि कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं उन्होंने दूर कर दिया है, वो साफ कर दिया है कि अगर आप जनता से दूर हैं या संगठन के लोगों का अगर आप साथ नहीं खड़े, उनके कंधे से कंधा मिला के नहीं खड़े, तो ऐसे विधायकों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। और यही, और इसके अलावा जो दूसरी वजूहात जो रही है वो वही है कि आप सर्वे में आपके को नंबर कम मिले, सर्वे में नंबर कम मिलने का पैमाना भी वही होता कि आप जनता ने आपके पक्ष में ज्यादा बातें नहीं की, आपके बारे में निगेटिव राय है, और छवि को लेकर वही बात होती है कि आपकी जो छवि है वो एक दबंग वाली होती है, आप जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर संवेदनशील नहीं है, जो वो बात कह रहे हैं आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं या हल्के में ले रहे हैं। तो ये सब चीजें सर्वे रिपोर्ट में आती हैं और छवि पर भी छाप छोड़ती हैं। तो इन्हीं सब वजहों के कारण ही 22 विधायक जो हैं, सरकार ने उनको टिकट नहीं दिया है, संगठन ने, कांग्रेस ने उनको दोबारा मौका नहीं दिया है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, 90 में से 22 विधायकों को दोबारा मौका नहीं दिया जाए। जो मौजूदा विधायक है उनकी जगह नए चेहरों पर भरोसा किया जा रहा है, वो वही है जो संगठन के साथ भी जुड़े हुए हैं, आम लोगों की आवाज बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार ने मौका दिया, क्योंकि जो संगठन के
और आम लोग की आवाज बनते हैं, उनको सर्वे में भी नंबर मिलता है और सर्वे में नंबर आने पर उनको मौका दिया गया है। तो कुल मिला के जो है, आप इसे अगर बड़े पैमाने पर देखें तो कांग्रेस ने उन लोगों को टिकट दिया है जो जनता की अपेक्षाओं पे खड़े हैं, जनता की जो मुद्दे हैं उनको लेकर वो लगातार आवाज, अपनी आवाज से उनकी आवाज मिला रहे हैं और यहां तक कि विधानसभा में उनकी आवाज उठा रहे हैं। जिन विधायकों ने उनकी आवाज को विधानसभा में उठाया उनको मौका दिया, जो लोग जनता की आवाज के लिए सड़कों पर लड़े, संघर्ष किया, उनको दोबारा मौका देकर कांग्रेस ने टिकट दिया है जिससे वो सत्ता में बने रहे और विधायक उनके ज्यादा से ज्यादा चुनके हैं और ऐसे ही लोग विधानसभा में भी उठाए। तो सीधा सीधा है कि आप जनता से जुड़े हुए हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जनता जनता की और संगठन को नजरअंदाज करके सिर्फ ये कि बड़े नेताओं का मेरे सर पर हाथ है, मेरे उनसे संबंध है, उससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक आज बहुत साफ इन जो टिकट घोषित हुए हैं सभी सीटों पर, इससे साफ पता चल रहा है कि उनका कांग्रेस की और राज्य में जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रही है संगठन हो या सरकार हो, उनका क्या मानना है, वो किस दिशा पर चल रहा है, ये चीजें बहुत साफ हो गई। और कुल मिलाकर अगर एक शब्द में कहा जाए कि जो जनता के साथ है वो ही फिर सत्ता में लौटेगा और विधानसभा में उनकी आवाज उठा पाएंगे। अभिषेक, इससे साफ है कि यहाँ पर संबंधों ने साथ नहीं दिया है, संबंध साथ नहीं देंगे, आपका काम आपका साथ देगा, आपके काम ने आपको टिकट दिया है। अभिषेक, बिल्कुल, ये देखिए संबंध जो बड़े नेताओं के साथ थे ये अगर कोई भरोसा मान के बैठा था तो उसे निराशा हुई है। लेकिन साथ में तो ये भी देखना पड़ेगा कि जो नए चेहरों को टिकट मिली है वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव थे पार्टी में। जैसे हम रश्मि चंद्राकर की बात कर लें, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं का भी सपोर्ट है, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है, उनकी भी सिफारिश हुई है, तो उन्होंने भी जिम्मेदारी निश्चित रूप से ली होगी और उनको दी गई होगी कि आप इस कैंडिडेट को जिता कर लाएंगे। अगर मैं धमतरी की बात करूं तो धमतरी में जो साहू कैंडिडेट हैं कांग्रेस के बिल्कुल नए चेहरे हैं, लेकिन उनके पीछे कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हैं जिन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया पार्टी को कि वो इस कैंडिडेट को जिता कर लाएंगे, वो बेहतर कैंडिडेट है, क्योंकि पार्टी ने वहां पर कई बार के विधायक रहे जो होरा थे, गुरमुख सिंह होरा, उनको टिकट नहीं दिया। हालांकि वो पिछली बार चुनाव हार गए थे लेकिन मात्र 400 का मार्जिन था लगभग जो यहां पर कांग्रेस ने ये सीट गंवाई थी। तो लेकिन उनको अगर टिकट काटा है तो जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा है और जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए अगर किसी नए फ्रेश चेहरे को सामने लाया जा रहा है तो उसका आधार क्या हो, क्या वहां पर कोई मददगार भी होगा, इस बात को भी पार्टी ने ध्यान में रखा कि अगर किसी दिग्गज की टिकट काटी जा रही है तो ये नुकसान भी हो सकता है बिल्कुल नए चेहरे को देने से, वो कई बार ऐसा होता है वो जीतने नहीं देते दूसरे कैंडिडेट को, तो उसके पीछे बैक सपोर्ट क्या है, क्या वहां से वो जीतने की स्थिति में है, उसकी अपनी कितनी संगठन में पकड़ है या उसको जिताने की जिम्मेदारी कोई और बड़ा नेता ले रहा है, इन चीजों का भी बड़ा खास ध्यान रखा गया है। और ये जो सारे समीकरण है वो धमतरी में और बाकी सीटों पर भी बिल्कुल नजर आ रहे हैं। तो ये जो नए चेहरे हैं सिर्फ बिल्कुल जो फ्रेश दिख रहे हैं लेकिन उनके पीछे भी उनकी अपनी पकड़ है, उनकी अपनी अच्छी छवि है, लेकिन साथ साथ पार्टी का कोई ना कोई बड़ा या तो स्थानीय नेता या प्रदेश स्तर का नेता है जिन्होंने इनको जिताने की जिम्मेदारी दी है और यही वजह है कि उनको टिकट यहां पर पार्टी ने दिया है। क्योंकि अगर किसी बड़े चेहरे का टिकट काटा जा रहा है उसकी जगह नए चेहरे को उतारा जा रहा है तो ये समीकरण भी पार्टियां देखती हैं कि उसको नुकसान ना हो, दूसरा जो खेमा है वो किसी प्रकार का डैमेज ना करे और उस डैमेज से बचने के लिए क्या उसके पास सपोर्ट है, क्षमता है कि वो वहां पर जीत सकता है, इन कई सारे समीकरणों को ध्यान में रखा जाता है। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि लिस्ट देखने के बाद सरसरी तौर पर समझ नहीं आती लेकिन एक बड़ा समीकरण होता है, बड़ा घोड़ा भाग होता है एक एक कैंडिडेट के पीछे। यही वजह रितु, आपने देखा होगा कि बैठकों का महीनों तक ये दौर चला है, कई बैठकें होती थी, लोगों को लगता था अब यहाँ पर टिकट आ जाएगी, अब टिकट आ जाएगी, लेकिन रायपुर मंडल स्तर उसके बाद दिल्ली में बैठकों का दौर चला, तो आप समझ सकते हैं कि एक एक सीट पर तर्क वितर्क विचार विमर्श और बहुत सारे समीकरण देखे जाते हैं उसके बाद नाम घोषित किए जाते हैं। और यही यहाँ पर कांग्रेस की सीट में दिख भी रहा है कि जो नए चेहरे हैं
तो सिर्फ वो चेहरे नए नहीं है बल्कि जातिगत समीकरण में फिट तो हो ही रहे हैं। उनके पीछे कोई न कोई बड़ा नेता भी है जो कि जिम्मेदारी भी ले रहा है कि हाँ इनको जिताकर लाया जाएगा, और यही चीजों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने उन लोगों को यहाँ पर टिकट भी दिया है। वो इस 7 नामों में भी नजर आ रहा है, और उससे पहले जो 83 नाम सामने आए हैं उनमें भी ये चीजें नजर आई हैं। तो कई सारी समीकरण है जिसको ध्यान में रखकर बहुत सोच समझकर पार्टी ने लिस्ट यहाँ पर उतारी है। हालांकि कई जगह उसे विवादों का सामना करना पड़ रहा है, कई जगह बगावत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आजकल दल इसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि उनको बगावत का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए पहले ही कमेटियां बना दी जाती हैं, मान मनोबल का दौर भी चल रहा होता है, कई जगह ये चल भी रहा है। अभी हम देख रहे थे जगदलपुर में भी एक बगावत सामने आई थी कांग्रेस की, लेकिन उनको मना लिया गया यहाँ पर। तो कई ऐसे नेता हैं जो कि बगावत करते हैं लेकिन उनको आखिरी समय में मना लिया जाता है। कई नामांकन भी दाखिल कर देते हैं बगावत की वजह से, लेकिन नाम वापसी के अंतिम दिन तक उनको मनाकर नाम वापस दिलवा लिया जाता है, बिठा दिया जाता है पार्टी समर्थकों में। तो ये एक परंपरा सी है, पार्टियां इसके लिए पहले से तैयार होती हैं। और इन 7 सीटों को देखने के बाद भी यही लग रहा है कि कुछ एक जगह नाराजगी सामने आ सकती है कुछ एक जो बड़े कद के नेता हैं, लेकिन पार्टी जरूर इस बात का ध्यान रख रही होगी कि अगर वो बगावत करते हैं तो उनको कैसे मनाया जाए, या अगर नहीं मानते तो कैसे उससे निपटा जाए। बहुत सारी चीजें होती हैं जो पार्टियां ध्यान में रखती हैं, और इन 7 सीटों को देखकर और कांग्रेस की पूरी 90 सीटों को देखकर यही कहा जा सकता है कि पार्टी ने खासा मंथन किया है यहाँ पर। ठीक 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 अशरफ, आपके पास आऊंगी। बगावत की बात अभिषेक कर रहे थे कि बगावती तेवर भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं कई जगह पर। देखिए आचार संहिता लग चुकी, माफ कीजिएगा, नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और समय बहुत कम बचा है, वो भी खत्म हो जाएगी, और विरोध के स्वर हम देख रहे हैं बहुत सारी जगह पे। तो क्या लगता है इसे देखते हुए कहीं कहीं पर कोई बदलाव किए जा सकते हैं क्या? जिस तरह से विरोध हम देख रहे हैं कांग्रेस के अंदर, खुद के अंदर ही चैलेंजिंग कार्यकर्ताओं से चैलेंज बनता हुआ नजर आ रहा है। हाँ रितु, देखिए जो बगावत की बात है तो उसको बखूबी, जैसे पहले भी मैंने कहा कि 22 विधायकों के टिकट कटे हैं, तो इसके क्या नफा और क्या नुकसान है तो ये आलाकमान पहले से जानता है। और जाहिर सी बात है कि अभी जो नामांकन की तिथि है वो 30 नवंबर है, तो 30 तारीख का समय है, अभी आप कांग्रेस के पास करीब 6 दिन का समय है। तो थोड़ा सा ये इस बीच में जो बगावत होगी, जो नाराजगी होगी, उनको मना लिया जाएगा, क्योंकि जो हमारे सूत्र बताते हैं कि ऐसे जो कद्दावर नेता हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया उनको मनाने के लिए बैकअप प्रोग्राम तैयार है, और उसी बैकअप प्रोग्राम के तहत ऐसे बड़े नेताओं को या तो किसी निगम में या किसी आयोग में उनको चेयरमैन बना दिया जाएगा सत्ता में बने रहने पर, सत्ता में अगर सरकार में बने रहते हैं, या फिर उनको संगठन में बड़ा पद दिया जाएगा। तो इस तरह से मनाने का जो रणनीति है या ये कहा जाए कि प्लान है वो कांग्रेस ने पहले तैयार कर रखा है। साथ साथ जो लोग बिल्कुल हों कि नहीं हम चुनाव लड़ेंगे, तो अंतिम समय तक उनको नाम वापसी के दिन तक प्रयास किए जाएंगे कि उनकी जो नाराजगी हो उसको दूर की जाए, और वो जो चाहते हैं उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी की जाए, और साथ साथ उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया और उनकी जगह जिसका टिकट दिया गया उसकी वजह क्या है वो भी तर्क के साथ समझाया जाए। तो पहला तो यही है कि जिसको नाराजगी है उसको भी और उसके समर्थकों को एक ये भरोसा दिलाना कि ये जो फैसला है पार्टी के हित में है, और आपको सत्ता में फिर लौटने पर कोई ना कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा, ये एक आश्वासन देना है, ये समझाना है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं इसी रणनीति के तहत ये आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 22 विधायकों का टिकट काटना किसी सरकार के लिए, मौजूदा विधायकों का और किसी भी सरकार के लिए आसान काम नहीं होता ये, लेकिन यहाँ पर भूपेश बघेल सरकार ने इसको अंजाम दिया है, और एक ये कहा जाए कि बड़ा फैसला लिया है, कड़वा फैसला लिया है, लेकिन इस फैसले के नफे और नुकसान को उन्होंने पहले भांपा है और लंबे मंथन के बाद ये फैसला किया है। अभिषेक से समझ लेते हैं कि वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, रायपुर में रहते हैं, ग्राउंड जीरो पे जानते हैं, एक एक पहलुओं पे जानते हैं, आपने भी जानकारी दी है साझा की। अभिषेक देखिए सवाल वही है यहाँ पर कि जिस तरह से हम देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन, हम देख रहे हैं विरोध के स्वर तेज होते हुए हम देख रहे हैं, क्या लग रहा है क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? चूंकि
मैंने पहले भी जिक्र किया कि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वो जल्द खत्म हो जाएगी। उससे पहले कांग्रेस को फैसला भी लेना होगा कि कहां पर अदला बदली भी करनी है। तो क्या लग रहा है, ऐसी कोई अहम सीटें, कुछ सीटें जहां पर बदलाव होने की उम्मीद है? देखिए, लगता नहीं बदलाव होगा, क्योंकि बदलाव देखिए आसान नहीं होता। जब कोई नाम घोषित किया जाता है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मंथन होते हैं, उसके बाद इन नामों को यहां पर घोषित किया जाता है। और अगर आप एक सीट बदलते हैं तो बाकियों की भी उम्मीद जगती है, और 22 लोगों के अगर टिकट काटे हैं और आप एक जगह टिकट बदलते हैं तो बाकी 21 या तो नाराज हो जाएंगे, जिनको बड़े मुश्किल से पार्टी ने या तो मनाया होगा या मनाने की कोशिश कर रही होगी, या फिर वो भी आपको किसी न किसी तरीके से टिकट बदलने का दबाव बनाएंगे। तो ये बदलाव तो मुश्किल है कि कोई भी पार्टी बदलेगी, इससे गलत मैसेज भी जाता है और पार्टियों की दिक्कत कम होने की जगह बढ़ती ही है। तो इसलिए ये बदलाव यहां पर मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि जो विरोधी है उनको मनाने के लिए पार्टी ज्यादा कोशिश करती है बजाय कि सीटें बदल दी जाए। तो मैं यही देख रहा था यहां पर जो फैक्टर मैं बता रहा था ऋतु आपको, धमतरी से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनकी जानकारी जो अभी हमने देखी यहां पर, वो अगर उनका बैकग्राउंड देखें तो मंडी अध्यक्ष है फिलहाल, और उनको टिकट दी गई है गुरमुख सिंह होरा, जो कई बार कांग्रेस के विधायक रहे उनकी जगह। वो पहले पार्षद चुनाव हार चुके हैं, मंडी के अध्यक्ष हैं, और ये सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जो मैं जिक्र कर रहा था कि किसी बड़े नेता का सपोर्ट होता है जातिगत फैक्टर के साथ साथ, अगर कोई गारंटी लेता है कि वो यहां से जिता कर लाएंगे तो इस बात का भी बड़ा खास ध्यान रखा जाता है। तो जो धमतरी से पार्टी के प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित किया, एक बड़े चेहरे को हटाकर, मंडी अध्यक्ष है, साहू है, इन जातिगत समीकरण के साथ साथ बड़े नेताओं का भी इनके पीछे हाथ है, तो ये बहुत अहम है कि उनको जिताने की जिम्मेदारी दी गई होगी, उनको जिताने की जिम्मेदारी ली गई होगी, क्योंकि बिल्कुल नया चेहरा यहां पर है वो, और उनके सामने मौजूदा विधायक है बीजेपी की रंजना साहू है, महिला है जिनको पार्टी ने रिपीट यहां पर किया है। ऐसे में ये एक अहम फैक्टर टिकट देते समय ध्यान रखा गया है कि अगर जहां पर कोई बिल्कुल फ्रेश चेहरा है तो क्या उसको जिताने लायक कोई पीछे ऐसा चेहरा है जो उसको जिता सकता है, जो मदद कर सकता है। ठीक ठीक। अशरफ, सवाल आपसे यहाँ पर मेरा ये है कि देखिए, लिस्ट जारी कर दी गई, 90 सीटों पर नाम घोषित कर दिए गए, यहाँ पर सभी सारे फैक्टर्स का ध्यान रखा गया है, चाहे पिछड़ी जाति की हम बात करें, महिलाओं की बात करें, हर किसी को ध्यान में रख करके ये लिस्ट जारी की गई है, 3 लिस्टें जो जारी हुई हैं, और किसी भी तरह का रिस्क जो है कांग्रेस नहीं लेना चाहती इस बार के चुनाव में, ये साफ जाहिर होता है लिस्ट से। बिल्कुल, बहुत बैलेंस जो सूची जारी की गई है वो बहुत बैलेंस है, जिसमें क्षेत्रीय जो समीकरण है उसका ध्यान रखा है, जातीय समीकरण है उसका ध्यान रखा गया है, और जो बात की जा रही थी कांग्रेस के आलाकमान से कि आधी आबादी को हक उनका मिलेगा तो उसका भी ध्यान रखेंगे। तो 90 सीटों में देखेंगे कि आप 18 महिलाओं को मौका दिया गया है कि वो चुनाव मैदान में उतरे, और बाकी 22 विधायकों के जहां टिकट कटे हैं उनकी जगह जो नए चेहरे दिए हैं, तो उसमें भी ध्यान रखा गया है कि जो जातीय समीकरण है वो बना रहे, वो ना बिगड़े, वो संतुलन उसका बरकरार रखा है। तो यहां पर उन्होंने कोशिश यही की है कि जो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण है वो बरकरार रहना चाहिए, साथ साथ आम लोगों की जो आवाज बनने वाले का कार्यकर्ता है उनको मौका देना चाहिए, कांग्रेस की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। जो जिन लोगों ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, किसी तरह से पीछे हट गए और कुछ पार्टी के लिए जो गलत बयान कर रहे थे जिससे नुकसान हो रहा था, ऐसे लोगों को मौका नहीं दिया गया, जो सत्ता की हलक में थे उन सबको हटा दिया गया। अब मौका दिया गया है जो जनता के बीच में है, जनता की आवाज बन रहे हैं और जनता के हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं और साफ छवि वाले हैं, तो उनको मौका दिया गया। और इसमें इस बात का बहुत ख्याल रखा गया है कि साफ छवि हो, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण वो बरकरार रहे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। अगर आप 90 सीटों पे देखें तो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण 2018 वाला ही है, उसमें कहीं बहुत बदलाव आपको नजर नहीं आता। हाँ, सिर्फ ये है कि चेहरे जरूर बदले गए हैं, और वो चेहरे भी इसीलिए बदले गए हैं क्योंकि कहीं उन्होंने जो पुराने चेहरे थे वो जनता की अपेक्षाओं पर नहीं खरे उतरे, वो संगठन के लोगों के साथ
समन्वय नहीं बना पाए, सिर्फ अपनी हनक में रहे, ऐसे लोगों को सरकार ने संगठन की तरफ से दोबारा मौका नहीं दिया गया। हाईकमान ने उन लोगों के टिकट काट दिए और नए चेहरों को मौका दिया और पूरी मंथन के साथ और जो रजामंदी है वो इसमें नजर आती है। 90 सीटों पर आप देखें कि लगातार इतना लंबा मंथन हुआ है और एक एक सीट पर कई कई दावेदार थे तो उनमें से किसी एक को अशरफ और अभिषेक आप हमारे साथ उसके पक्ष में और लौटूंगा मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दर्शकों को एक बार हेडलाइंस दिखा देते हैं, उसके बाद इसी खबर पर दोबारा लौटेंगे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में जारी की अंतिम लिस्ट, 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। बैकुंठपुर से अंबिका सिंह देव तो महासमुंद से रश्मि चंद्राकर को टिकट, रायपुर नॉर्थ से कुलदीप जुनेजा उम्मीदवार। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में कई के कटे नाम, महासमुंद से विनोद चंद्राकर, सरायपाली से किस्मत लाल नंद को नहीं मिला टिकट, कसडोल से शकुंतला साहू का भी कटा पत्ता। न्यूज 18 की खबर पर मोहर। फाइनल लिस्ट के साथ ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। 36 नए चेहरों का मौका, 22 के कटे हैं टिकट, 18 महिलाओं को मैदान में उतारा। विधानसभा चुनाव के लिए सीएम शिवराज का धुआंधार प्रचार जारी, सांची में बड़ी जनसभा को किया संबोधित, बहनों को विश्वास कभी नहीं टूटने का दिया भरोसा। मध्य प्रदेश में खुल सकती है गठबंधन की गांठ, अखिलेश यादव से कांग्रेस नेताओं की मुलाकात, सपा ने फिलहाल टाली नई सूची। चुनावों को लेकर एक्शन में पुलिस, आगर मालवा में 3 करोड़ से ज्यादा का गांजा जब्त तो खरगोन में अवैध शराब पर कसा शिकंजा, 4 गिरफ्तार। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार, दर्शकों ने लुटाया भरपूर प्यार, भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपनी तीसरी और आखिरी लिस्ट जारी कर दी है। इस तीसरी और आखिरी लिस्ट में 7 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है। अब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपने सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव हैं, सिहावा से अंबिका मरकाम हैं, धमतरी से ओमकार साहू को टिकट है, रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा को टिकट दिया गया है, सरायपाली से चतुरी नंद को टिकट मिला है, महासमुंद से रश्मि चंद्राकर, कसडोल से संदीप साहू उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि किसको कहां से टिकट मिला है। धमतरी से ओमकार साहू, अंबिका मरकाम सिहावा, कुलदीप जुनेजा रायपुर उत्तर, रश्मि चंद्राकर महासमुंद। रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव चुनाव लड़ेंगी। कई महिलाओं को भी 18 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। तो सरायपाली विधायक किस्मतलाल नंद का टिकट कटा है, तो कुल 22 विधायकों के टिकट कांग्रेस ने काट दिए हैं। तीसरी लिस्ट में 4 महिला प्रत्याशी हैं, कुल 18 महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से हम चर्चा करेंगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं मैं। अभिषेक, 22 विधायकों के टिकट काटना, ये संदेश दिया है कांग्रेस ने कि सर्वे के आधार पर ही टिकट बांटे गए हैं विधानसभा चुनाव में, और ये भी मैसेज दिया है अपने नेताओं को, अपने विधायकों को, कि आप अगर जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतरेंगे तो पार्टी आपको तवज्जो नहीं देगी। अभिषेक, बहुत सारे समीकरण होते हैं जो पार्टियां जब किसी को टिकट देती हैं तो उसको ध्यान में रखा जाता है। पिछली बार कांग्रेस का जो बम्पर बहुमत मिला था, 68 सीटें कांग्रेस जीत कर आई थी, तो एक कांग्रेस की लहर सी थी। 38 ऐसे विधायक थे जो कि पहली बार जीत कर आए थे, उसमें से कई ऐसे विधायक थे जिन्होंने बीजेपी के दिग्गजों को हराया था। और अगर उस 2018 को ध्यान में रखा जाए तो कायदे से उन लोगों को टिकट देना था, लेकिन पार्टी ने इस बात को समझा है कि 2018 में अलग माहौल था,
2023 में अब अलग माहौल है। उस समय 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी को लेकर, और यही वजह थी कि बीजेपी के दिग्गज हार गए थे, 15 सीटों पर पार्टी सिमट गई थी और 38 नए विधायक पहली बार चुनकर आए विधायक यहां पर विधानसभा में पहुंचे थे। लेकिन अब 5 साल कांग्रेस का शासन रहा है, पार्टी इस बात को समझ रही है और बजाय उनके ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए कि वो कौन कितने मार्जिन से यहां पर जीत कर आया था, पार्टी ने मौजूदा परिस्थिति क्या है उसको ध्यान में रखा। और ये बात सर्वे, मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात में गए, उन तमाम जो फीडबैक मिलते थे उनको ध्यान में रखा, कार्यकर्ताओं की बात को ध्यान में रखा गया और जो नए चेहरे उनको रिप्लेस कर सकते हैं उनकी क्या ताकत है, उनकी क्या छवि है। कई ऐसे भी लोगों को टिकट मिली है जो कि बिल्कुल फ्रेश है, जो कि पार्टी में बिल्कुल नए हैं, लेकिन उनके पीछे कोई ना कोई बड़ा नेता खड़ा है, वो जिम्मेदारी लेता दिख रहा है कि मैं इसे जिता कर लाऊंगा, मैं इसे यहां पर सपोर्ट करूंगा, आप पुराने दिग्गज को हटाइए। धमतरी में हमको कुछ ऐसा ही यहां पर दिखा, जो कई बार के विधायक कांग्रेस के गुरमुख सिंह हुरा उनकी टिकट काट दी गई, बिल्कुल नया चेहरा साहू को दिया गया यहां पर, रंजना साहू, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी से वहां पर मौजूदा विधायक है, उसे रिपीट भी किया बीजेपी ने, तो साहू के सामने साहू को ध्यान में रखा। लेकिन क्या गुरमुख सिंह हुरा जैसे दिग्गज के सामने यह नया चेहरा टिक पाएगा, किस तरीके से जीत हासिल करेगा, इसके पीछे कारण यह है कि कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता है उनका सपोर्ट वहां पर है, वो साफ तौर पे यहां पर उन्होंने जिम्मेदारी ली कि वो इस चेहरे को जिताकर लेकर आएंगे। यही वजह है कि पार्टी ने यहां पर उन पर मुहर लगाई, उन पर भरोसा जताया। और मंडी अध्यक्ष है मौजूदा जो अभी प्रत्याशी कांग्रेस के हैं धमतरी से, पार्षद का चुनाव इससे पहले लड़े थे, वो हार गए थे वहां से। तो ये कई सारी चीजें हैं जो कि पार्टी ने ध्यान में रखी है, जहां अगर सिर्फ जातिगत समीकरण है या कोई बढ़िया चेहरा रिप्लेस करने लायक नहीं मिला तो उसके पीछे किसी ने अगर जिम्मेदारी ली या कोई नाम आगे बढ़ाया तो उसको भी ध्यान में रखा। जैसे हम रायपुर उत्तर का अगर जिक्र करें, मौजूदा विधायक है कुलदीप जुनेजा, और उनको लेकर शुरुआत से ही बात आ रही थी कि उनकी टिकट काट दी जाएगी, लेकिन बीजेपी ने क्योंकि वहां से जो प्रत्याशी उतारा, कांग्रेस ने उसे देखा समझा और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, कई सारी फीडबैक को देखते हुए ये फैसला जो हमको समझ में आ रहा है आखिरी समय में पलटा गया कि नहीं, कुलदीप सिंह जुनेजा को बनाकर रखा जाए, वरना लगभग तय माना जा रहा था कि उनकी टिकट कट रही है। तो आखिरी समय में कुलदीप जुनेजा जो है उनको बीजेपी प्रत्याशी को देखते हुए यहां पर एक कहा जाए कि टिकट मिल गई तो गलत नहीं होगा। तो यही ऐसे समीकरण है जो सुमित जो यहां पर ध्यान में पार्टी ने रखे हैं। और अगर 22 लोगों के टिकट काटे हैं तो बहुत सारा मंथन है, बहुत सारे फीडबैक है, बहुत सारे चीजें हैं जिनको ध्यान में पार्टी ने यहां पर रखा है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि बहुत सारे समीकरणों को साधने की कोशिश कांग्रेस ने यहां पर की है। अशरफ, नए चेहरों की अगर बात करें हम, बीजेपी की बात करें तो जितने भी प्रत्याशी बीजेपी ने अभी तक मैदान में उतारे हैं करीब करीब 43 नए चेहरों को मौका दिया है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से 36 नए चेहरे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में रिजल्ट आने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत की एक नई पीढ़ी और युवा पीढ़ी हमें नजर आने वाली है। हाँ बिल्कुल, देखिए अब जब विधानसभा जो पहुंचेंगे और 36 कांग्रेस के नए चेहरे और 43 भाजपा के नए चेहरे, तो आप मान के चलिए कि विधानसभा का जो चेहरा होगा, जो स्वरूप होगा, वो बदला हुआ नजर आएगा, वहां पे युवा ज्यादा नजर आएंगे। तो ये एक जो राजनीतिक समीकरण बदले हैं वो उस चीज को दर्शाते हैं कि युवा पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, वो युवाओं पर भरोसा करते हैं। कांग्रेस का तो आप ये टेस्टेड फॉर्मूला भी है, कांग्रेस ने जब 2018 में चुनाव लड़ा था और उस वक्त भी उन्होंने 38 नए चेहरों को मौका दिया था, हालांकि इस बार 36 को मौका दिया है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस नए चेहरों पर ज्यादा भरोसा करती है, इसी वजह से उन्होंने नए चेहरों को मौका दिया। और आने वाले समय में जब वो सब, जो चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के, जो भी नए चेहरे जाएंगे विधानसभा में पहुंचेंगे, तो विधानसभा का जो एक पारंपरिक
पारिवारिक चेहरा नजर आता था जो वहां पे सदन में लोग नजर आते थे वो नहीं आएंगे वहां पे। अब जो जनता है जो आम लोग हैं वो युवाओं को देखेंगे कि युवा बैठे हैं और वो उनके हितों की बात कर रहे हैं, उनके क्योंकि युवा हैं तो युवाओं के वो जानते हैं कि उनकी क्या जरूरतें हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं और उनकी आवाज को किन किन आवाजों को यहाँ पर विधानसभा में उठाना है। तो वो सब लोग वही काम करेंगे। एक नया विधानसभा का चेहरा, एक नई विधानसभा का स्वरूप हमें 2024 में देखने को मिलेगा। तो नए चेहरों को मौका देकर संगठन में भी एक जान डालने की कोशिश की जाती है और एक राजनीतिक रूप से बड़े स्तर पर एक राजनीति को नया चेहरा देने का भी प्रयास किया गया है। जी बिल्कुल ठीक बात की, बिल्कुल ठीक बात की आपने। अभिषेक आपसे जानना चाहूंगा मैं कि कांग्रेस ने तो सभी सीटों पर ऐलान कर दिया है प्रत्याशियों का, बीजेपी कुछ सीटें बची हुई हैं, हॉट सीट कौन सी होंगी छत्तीसगढ़ में और दिलचस्प मुकाबला जो चर्चाओं में सीट है अभी विधानसभा चुनाव के लिए वो कौन सी सीट होने वाली है अभिषेक? बिल्कुल देखिए बहुत सारी सीटें हैं। पहले अगर मैं 20 सीटों से शुरुआत करूं जो कि बस्तर और राजनांदगांव कवर्धा वाली सीटें हैं, वहां पर जो बड़ी चर्चा वाली सीट है कोंटा सीट है, कवासी लखमा वहां से मंत्री हैं वो उम्मीदवार हैं, तो वो एक सीट चर्चा में है। कवासी लखमा लगातार जीतते आए वहां से। दूसरी अगर हॉट सीट की बात करूं तो चित्रकूट सीट है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज वहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं, वो एक सीट बड़ी चर्चा का विषय यहां पर बनी हुई है। उसके अलावा केशकाल की बात करूं बस्तर में ही नीलकंठ टेकाम जो पूर्व आईएएस अफसर हैं वो वहां से बीजेपी ने उनको मैदान में उतारा है। कोंडागांव सीट बड़ी चर्चा में है, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री मोहन मरकाम वहां से मैदान में है, लता उसेंडी उनके खिलाफ जो पूर्व मंत्री हैं बीजेपी से मैदान में है, तो ये सीट एक बड़ी चर्चा में है। और खास बात इस कोंडागांव सीट की यह है कि कोई भी उम्मीदवार हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं दो बार ही जीतता है, मंत्री भी बनता है और तीसरी बार नहीं जीत पाता है, चाहे लता उसेंडी हो मोहन मरकाम हो, ये सिलसिला कई सालों से कई चुनाव से बना हुआ है। तो इस बार अगर मोहन मरकाम जीतते हैं तो ये सिलसिला टूटेगा और अगर लता उसेंडी जीतती है तो जो पुराना इतिहास है वही दोहराया जाएगा और तीसरी बार कोई यहाँ से विधायक नहीं बन पाएगा, ये एक बड़ा अहम फैक्टर है। उसके अलावा राजनांदगांव सीट की बात कर ले बड़ी अहम हो गई, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यहाँ से मैदान में है, उनके सामने गिरीश देवांगन उतारे गए हैं, काफ़ी कद्दावर नेता है कांग्रेस के, मुख्यमंत्री के करीबी हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस पूरा जोर इस सीट पर यहाँ पर लगा रही है। कवर्धा सीट की बात कर लें ये हाई प्रोफाइल सीट हो गई है, मंत्री मोहम्मद अकबर यहाँ से मैदान में, उनके सामने बीजेपी के विजय शर्मा है, बीजेपी इस हिंदुत्व के मुद्दे पर यहाँ पर इस चुनाव को यहाँ लड़ना चाह रही है। उसके अलावा पाटन की बात कर लें मुख्यमंत्री वहां से मैदान में है, तो अपने आप कोई अगर मुख्यमंत्री मैदान में तो सीट हाई प्रोफाइल हो जाती है, लेकिन उनके सामने इस सीट की चर्चा इसलिए हो रही है कि विजय बघेल उनके सामने है, मौजूदा सांसद हैं,